नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों आज हम बात करेंगे धनु राशि की संक्रांति की, जो कि दोस्तों 15 दिसंबर 2020 21:33 पर धनु राशि की संक्रांति आ रही है। ये धनु राशि की संक्रांति इस बार 6 डिग्री पर संक्रांति हो रही है, जो कि ये डिग्री क्या रिजल्ट देगी वो सब का हम बात करेंगे। तो उसके पहले दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि अभी जो वृश्चिक राशि की संक्रांति थी 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक, जैसा कि मैंने कहा था कि वृश्चिक की संक्रांति जो है वो 22 डिग्री पे हो रही है, और 22 डिग्री जो है ये बुलिश का सिग्नल देता है। जैसा कि आपने देखा दोस्तों कि मार्केट बुलिश रहा, लेकिन 22 डिग्री इतनी ज़्यादा बुलिश हो सकती है ये मुझे भी अंदाज़ा नहीं था। ये डिग्री बुलिश की है इतना मुझे पता था। दूसरी बात दोस्तों जो है, इस बार मैंने कुछ स्लॉट वाइज दिया था, स्लॉट वाइज प्रिडिक्शन मेरा रॉन्ग हुआ था। जहाँ जो बात है वहाँ क्लियर जो है बताना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, तो मैं बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि स्लॉट वाइज प्रिडिक्शन मेरा गलत था। लेकिन जो मेरा ओवरऑल जो लोग भी फ्रेंड सब्सक्राइबर फॉलो करते हैं उनको क्लियर पता था कि मैं डिग्री वाइज जो देता हूँ उसमें मेरा प्रिडिक्शन जो है 85-90% तक सही जाता है, क्योंकि मैंने क्लियर कहा था कि 22 डिग्री जो है वो बुलिश की डिग्री है। दोस्तों संक्रांति का जो है जितना भी मेरा वीडियो है 12-13 वीडियो होगा, जिसमें मैंने मैक्सिमम वीडियो में या जो भी मेरा संक्रांति का वीडियो है उसमें मैक्स टू मैक्स वीडियो में मेरा प्रिडिक्शन ओवरऑल का सही जाता है। डेली का प्रिडिक्शन तो दोस्तों किसी का भी सही नहीं जा सकता है, और कोई कितना भी दावा करे, लेकिन मैं तो क्लियर बोलता हूँ कि मुझे 14-15 साल फाइनेंशियल ज्योतिष में हो गया, ओवरऑल का प्रिडिक्शन सही जाता है। डेली का भी प्रिडिक्शन का रेशियो 70%+ है, लेकिन रोज़ तो कोई डेली सही नहीं हो सकता, इसलिए मैं डेली का प्रिडिक्शन अपने पेड क्लाइंट को ही देता हूँ, और उसमें भी मैं ओवरऑल ओवरव्यू ज़्यादा देता हूँ दोस्तों, क्योंकि डेली जो है यदि 100% कोई भी सही हो जाए तो फिर उनको यूट्यूब पे वीडियो बनाने की ज़रूरत ही ना पड़े, वो लोग खुद अरबपति बन जाएं। तो दोस्तों सिस्टम अपने जगह सब सही है, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे वो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हो, रूल सब सही है। टेक्निकल भी 100% सही है, ज्योतिष भी 100% सही है, लेकिन जो बता रहे हैं वो कितना सही है सबसे बड़ी बात ये है। मैं ये दावा नहीं करता कि मैं बोला सही हुआ, ये मैं कितना बोला कितना सही हुआ उसका सब आप वीडियो मेरा चैनल पे देख सकते हैं। एक तो मैं दोस्तों रोज़ वीडियो नहीं बनाता हूँ कि रोज़ वीडियो बनाऊँ और रोज़ अपना व्यू चेंज करूँ, तो वो नहीं रहता है। ओवरऑल संक्रांति का आप प्रिडिक्शन देख सकते हैं कि सक्सेस रेशियो क्या है जो है। अब बाकी तो दोस्तों इसके पहले का दोस्तों मैं बताऊँ जो है कि ऐसा नहीं है कि आज से नहीं, मैं 4-5 महीने से कहते आ रहा हूँ कि मार्केट जो है 2020 में ही ऑल टाइम हाई बनेगा। उसका रीजन प्लानिटरी पोजीशन से था दोस्तों, जैसा कि 16 अगस्त को थोड़ा मैं पिछला बता दूं, बाकी आप वीडियो देख सकते हैं। 16 अगस्त से 16 सितंबर का सूर्य सिंह राशि में गया था, तो मैंने क्लियर बोला था कि वो 2 डिग्री की संक्रांति सिंह की थी, जो कि वो बुलिश की डिग्री थी, तेजी की थी। फिर 16 सितंबर से 16 अक्टूबर का कन्या राशि की संक्रांति 23 डिग्री पे थी, वो भी मैंने क्लियर बोला था कि वो भी डिग्री तेजी की है, मार्केट में तेजी रही। फिर 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक सूर्य जो है तुला राशि में था, तुला की संक्रांति हुई, 23 डिग्री की संक्रांति हुई, वो भी मैंने क्लियर कहा था 23 डिग्री बुलिश की डिग्री है।
उसके बाद दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि फिर वृश्चिक की संक्रांति हुई 16 नवंबर से 15 दिसंबर। इसमें भी मैंने क्लियर बोला था कि ये 22 डिग्री जो है 22 डिग्री, ये भी पुलिस की डिग्री है। तो आपने देखा कि वृश्चिक की संक्रांति भी ओवरऑल मार्केट बुलिश ही रहा और मार्केट ऑल टाइम हाई चल रहा है। ये ऑल टाइम हाई 2020 का बनना ही था क्योंकि प्लानिटरी पोजीशन ही ऐसी बन रही थी। दूसरी बात दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि कुछ फ्रेंड्स जो है वो कहते हैं कि पंडित जी आपका कमेंट जो है नहीं चालू है, तो आप कमेंट क्यों नहीं चालू करते हैं? तो दोस्तों उसका मैं आप सबको बता दूं दोस्तों कि सबसे पहली बात तो ये है कि मैं केवल ज्योतिष का ही काम नहीं करता हूं, मैं लीगल कंसल्टेंट हूं, मैं एडवोकेट हूं दोस्तों। और दूसरा क्या है कि मेरा जो है दूसरा भी और कई बिजनेस है, जो कि मेरा शेड्यूल जो है बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है, एक ये साइकोलॉजिकल माइंड में सेट रहता है कि कोई भी कमेंट करे। मैं अपने लिए भी ये मान रहा हूँ कि मैं भी यदि किसी को कमेंट करूँ तो मैं उसका जो है एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि वो मेरे कमेंट का जवाब देगा। यदि कोई भी कमेंट का जवाब नहीं देता है तो फिर हमको भी ख़राब लगता है कि देखो वो बहुत बड़ा ज्योतिषी हो गए, या कोई भी सेक्टर का हो वो, कि देखिए मेरे कमेंट का जवाब नहीं दिया। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी बात होती है कि कोई भी कमेंट करे तो उनको एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि मेरे कमेंट का जवाब मिले। तो दोस्तों मेरा शेड्यूल इतना टाइट रहता है कि मैं कमेंट का जवाब नहीं दे पाता हूँ। और दूसरी बात, मेरे पास कोई असिस्टेंट ऐसा नहीं है कि मेरे कमेंट का वो जवाब दे। जो बात है क्लियर है, मेरा जो बिजनेस है या जो मुझे जानते हैं, मेरे जो दूसरे इम्प्लाई हैं वो 25+ इम्प्लाई मेरे हैं, लेकिन वो दूसरे काम में हैं, उनको कमेंट का जवाब देना नहीं आता है। जो बात है क्लियर है दोस्तों। लेकिन इसमें दोस्तों इसलिए मैं कमेंट नहीं ओपन करता हूँ। और कोई भी यदि फ्रेंड है उनको ज़रूरी है तो मेरा जो है हर यूट्यूब के वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर लिखा है। ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मेरा शेड्यूल बहुत ही टाइट रहता है। जो भी मित्र हमसे कुंडली का भी कंसल्टेशन लेते हैं उनको भी मैं रिप्लाई कम से कम 15 से 20 दिन बाद ही मैं दे पाता हूँ, इतना मेरा शेड्यूल बिजी रहता है। तो दोस्तों उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाऊँगा और लोगों को एक्सपेक्टेशन रहता ही है कि हमारे कमेंट का रिप्लाई मिले। तो दोस्तों जो मेन रीज़न था वो मैंने आपको बता दिया कि इसलिए मैं कमेंट जो है वो चालू नहीं किया हूँ क्योंकि मैं रिप्लाई नहीं दे पाऊँगा। दूसरी बात दोस्तों जो है ये धनुराशि की संक्रांति जो है मेष से लेकर मीन राशि तक क्या फल देगी वो भी हम अपने देख लेते हैं। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि ये जो हम राशि से जो है संक्रांति का फलादेश आपको दे रहे हैं, इसका भी जो है कई लेबल है। पहले तो आपकी राशि से सूर्य कहाँ है, पहला लेबल हो गया। दूसरा जो है आपके लग्न से सूर्य कहाँ है, दूसरा लेबल हो गया। और आपके नेटल सूर्य से ट्रांजिट का सूर्य कहाँ है, एक तीसरा लेबल हो गया। और चौथा लेबल दोस्तों कि आपकी कौन सी महादशा चालू है। यदि आपकी सूर्य की महादशा, सूर्य की अंतरदशा, सूर्य की प्रत्यंतर दशा चालू है तब तो आपको इम्पैक्ट ज़्यादा मिलेगा। लेकिन यदि आपकी दोस्तों कोई भी निगेटिव दशा चालू है, समय आपका ज़्यादा ख़राब है, तो आपको राशि का फलादेश नहीं मिल पाएगा। तो इस पॉइंट का भी आप लोग विशेष ध्यान रखिए जो है कि ये जो फलादेश है उसमें कई लेबल हैं। यदि आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है और राशि के फलादेश से सूर्य की संक्रांति थोड़ा निगेटिव भी है तो आपको बहुत निगेटिव फल नहीं मिलेगा। तो इस बात का विशेष आप लोग ध्यान रखिए।
अब हम बात करेंगे कि यदि आपकी मेष राशि है, माने मेष राशि है, मेष लग्न है, तो आपके लिए जो है धनुराशि की संक्रांति जो है वो आपको शुभ फल जो है वो आपको देगी। यदि आपकी वृषभ राशि है तो वृषभ राशि वालों के लिए ये धनुराशि की संक्रांति जो है वो अशुभ फल देगी। यदि आपकी मिथुन राशि है तो आपको जो है धनुराशि की संक्रांति जो है 50-50 फल देगी, मीडियम फल ही रहेगा। यदि आपकी कर्क राशि है तो आपको धनुराशि की संक्रांति जो है वो आपको मीडियम टू पॉजिटिव फल देगी। यदि आपकी सिंह राशि है तो आपको धनुराशि की संक्रांति जो है शुभ फल देगी। यदि आपकी कन्या राशि है तो धनुराशि की संक्रांति जो है आपको अशुभ फल देगी। यदि आपकी तुला राशि है तो धनुराशि की संक्रांति जो है आपको मीडियम टू पॉजिटिव फल देगी। यदि आपकी वृश्चिक राशि है तो धनुराशि की संक्रांति आपको जो है शुभ फल देगी। यदि आपकी धनुराशि है तो आपको धनुराशि की संक्रांति शुभ फल देगी। यदि आपकी मकर राशि है तो धनुराशि की संक्रांति आपको अशुभ फल देगी। यदि आपकी कुंभ राशि है तो धनुराशि की संक्रांति आपको शुभ फल देगी। यदि आपकी मीन राशि है तो आपको धनुराशि की संक्रांति शुभ फल देगी। तो दोस्तों ये रहा जो है धनुराशि की संक्रांति का मेष से लेके मीन राशि तक का फलादेश जो है। जैसा दोस्तों इसका मैंने बताया कि इसका 3-4 लेवल होता है, वहाँ से जो है आप देख सकते हैं कि आपको धनुराशि की संक्रांति शुभ फल दे रही है अशुभ फल दे रही है। यदि आपको अशुभ फल दे रही है तो दोस्तों आपको सूर्य का मंत्र जाप करना चाहिए, सुबह उठ कर सूर्य को अर्घ देना चाहिए, उसमें जो है लाल फूल और जो है गुड़ जिसको जैगरी बोलते हैं वो और लाल अक्षत जो है मिलाकर जो है फिर आपको जल देने से आपका सूर्य शुभ फल देगा। और यदि आप पाठ कर सकें तो आदित्य हृदय स्तोत्र का आपको पाठ करना चाहिए, तो इससे आपको सूर्य का अशुभ फल कम मिलेगा। और सूर्य पिता का कारक ग्रह है, पिता का आशीर्वाद लेंगे तो आपका सूर्य शुभ फल देगा। कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लाई है तो उससे भी आपका कोई भी जो है संबंध है तो उनको जो है आप बुला के अपने घर में जो है उनको कुछ सेवा कीजिए। मीन्स यदि वो आपके घर आने का उनका प्लान है तो आप उनको संडे के दिन बुलाइए और जो है उनको जो है कोई भी मिष्ठान खिलाइए, अच्छा भोजन कराइए, तो उससे भी सूर्य आपका शुभ फल देगा। ये संक्रांति में यदि सूर्य आपका अशुभ फल दे रहा है तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि ये जो धनुराशि की संक्रांति हो रही है, ये धनुराशि की संक्रांति जो है दोस्तों ऑल ओवर ग्लोबल 15 दिसंबर 2020 21:33 से लेकर 21:33 से लेकर दोस्तों उसके बाद जो है ये धनुराशि की संक्रांति 14 जनवरी 2021 8:16 तक सूर्य जो है धनुराशि में रहेगा। तो ऑल ओवर ग्लोबल ये जो 6 डिग्री की संक्रांति हो रही है, ये संक्रांति वॉलेटाइल टू बेयरिश की डिग्री है। ये 6 डिग्री वॉलेटाइल टू बेयरिश की डिग्री होने जा रही है, यानी कि अब आने वाले समय में दोस्तों शेयर बाजार में ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट में एक मंदी की शुरुआत होने जा रही है। ये सबसे बड़ी बात दोस्तों आप लोग इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा कि ये जो डिग्री है 6 डिग्री की जो संक्रांति है, ये संक्रांति क्रैश की डिग्री नहीं है। इस पॉइंट का विशेष ध्यान रखिएगा कि ये 6 डिग्री क्रैश की डिग्री नहीं है, ये वॉलेटाइल टू बेयरिश की डिग्री है। नहीं तो आप जो है ये मेरा वीडियो देखने के बाद जो है दनादन जो है आप लोग पुट जो है एक लिमिट में ही खरीदिएगा, वो भी आपको लेना रहे दोस्तों तो जनवरी के आखिरी का जो है आप लोग पुट ले सकते हो, वो भी एक लिमिट में ही,
जो है, क्योंकि अभी ये मैं 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक का फलादेश दे रहा हूँ, इसमें मैं कोई भी स्लॉट वाइज प्रिडिक्शन आपको नहीं दूंगा, इसमें मैं ओवरऑल का व्यू दे रहा हूँ। जहाँ भी आपको ठीक ठाक का जो है, आपको निफ्टी में, बैंक निफ्टी में आपको जो है गिरावट मिल जाए, वहाँ आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। पूरा महीना आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको एक ठीक ठाक का रिटर्न ज़रूर मिलेगा। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों कि ये क्रैश की डिग्री नहीं है, ये वोलेटाइल टू बेरिश की डिग्री 6 डिग्री है। इसमें ऑल ओवर ग्लोबल दोस्तों, चाहे वो डाउ जोन्स हो, चाहे नैसडेक हो, S&P 500 हो, एशियन मार्केट हो, यूरोपियन मार्केट हो, जो भी मार्केट होंगे वो सब मार्केट जो है आने वाले समय में धीरे धीरे उसकी शुरुआत जो है वोलेटाइल टू बेरिश की होने जा रही है। तो दोस्तों जो है ये धनुराशि की संक्रांति का फलादेश है। इसमें दोस्तों अभी मैं जो है आने वाले समय में जो क्रूड आयल है, क्रूड आयल बहुत जल्दी जो है वो टॉप आउट होने जा रहा है। तो क्रूड आयल में भी आने वाले समय में एक मंदी की शुरुआत होने जा रही है। अभी थोड़ा सा समय है, लेकिन आने वाले समय में क्रूड आयल में मंदी बनेगी। कापर में जो है वो भी, कापर भी बहुत जल्दी टॉप आउट होने जा रहा है। कापर और इसमें जो है क्या बोलते हैं कि जिंक में जो है उसमें भी टॉप आउट होने जा रहा है, कि आने वाले समय में उसमें भी एक प्रॉफिट बुकिंग का योग बनेगा। दूसरी बात दोस्तों जो है गोल्ड और सिल्वर में जो है अभी थोड़ा दिन जो है उसमें तेज़ी बनी रह सकती है। गोल्ड और सिल्वर का मैं पूरे महीने का व्यू नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अभी थोड़ा दिन शायद वो कुछ तेज़ी उसमें बनी रह सकती है गोल्ड और सिल्वर में जो है। लेकिन यदि आपका गोल्ड और सिल्वर का लॉन्ग व्यू है जो है, तो आप जो है जनवरी लास्ट तक, आपका यदि लॉन्ग व्यू है और आप फिजिकल में लेना चाहें, फिजिकल में लेना चाहें, तो आप जो है जनवरी में और कुछ हद तक फरवरी में 2-3 बार में आप जो है सिल्वर में जो है बाई कर सकते हैं। गोल्ड में भी आपको जहां भी डिप मिले वहां आप बाई कर सकते हैं फिजिकल में। तो आने वाला समय यदि आपका जो है लॉन्ग व्यू है, 1.25 साल का व्यू है, तो उसमें आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न सिल्वर में मिलेगा यदि आपका लॉन्ग व्यू है। लेकिन यदि आप MCX में करते हैं दोस्तों, तो उसके लिए जो है मेरा भी ये पूरे महीने का व्यू गोल्ड और सिल्वर में नहीं है, लेकिन अभी कुछ दिन जो है गोल्ड और सिल्वर में तेज़ी जो है वो बनी रह सकती है। तो दोस्तों ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट हो, जो है क्रूड आयल हो, और कापर का मैंने बताया, जिंक का मैंने बताया, गोल्ड सिल्वर का मैंने बताया, जो है आपकी राशि का फलादेश मैंने बताया, कि आने वाले समय में थोड़ा थोड़ा जो है सतर्क रहिए दोस्तों, क्योंकि इस समय जो है जुपिटर जो है 21 दिसंबर को जो है जुपिटर, जिसको कि जीव कारक प्लैनेट कहा गया है, और जुपिटर फाइनेंस का कारक ग्रह है, फाइनेंस का कारक ग्रह है। जुपिटर और सैटर्न जो है एग्जैक्ट जो है उनका कंजंक्शन 21 और 22 दिसंबर को होने जा रहा है। उसके बाद जो है शनि की डिग्री से जुपिटर आगे हो जाएगा, यानी कि सैटर्न जो है उसको फॉलो करने लगेगा जुपिटर को, जो कि जुपिटर जो कि जीव कारक प्लैनेट है, फाइनेंस का कारक प्लैनेट है। तो आने वाले समय में जो है फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो बन सकती है जो है, इसलिए जो है आप पैसे को संभाल के रखिए, रोज़ ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले समय में जो है कौन से साल में कौन सा सेक्टर चलेगा, वो सब मैं आप सबको अपना व्यू ज़रूर दूंगा, कि जिसमें आपको 1 साल में ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है जो है। लेकिन इस समय सबसे ज़रूरी है दोस्तों कि आप थोड़ा सा ट्रेडिंग से बचिए और पैसे को सेव करके रखिए, क्योंकि आने वाला समय ये बहुत अच्छा समय नहीं है, बल्कि आने वाला समय थोड़ा सा तकलीफ़ का समय ऑल ओवर ग्लोबल आ रहा है। इसलिए यदि आपके पास पैसा रहेगा, ना तो मार्केट भाग रहा है ना तो आप भाग रहे हैं, लेकिन यदि आप कोई ट्रैप में फंस गए तो आपके घर में
फाइनेंशियल तकलीफ हो सकती है। इसलिए दोस्तों हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि पैसे को संभाल के रखिए, आने वाला समय थोड़ा दिक्कत का आ रहा है, क्योंकि गुरु 21 तारीख के बाद से मेला फिक हो जाएगा, तो फाइनेंशियल तकलीफ होने जा रही है, वो भी आने वाला कई महीने तक। इसलिए आपके पास पैसा रहेगा तो घर परिवार आपका अच्छे से चलता रहेगा, ट्रेडिंग जो है कोई भी भाग नहीं रही है। तो इस बात का मेरे ज़रूर से ज़रूर जो है वो आप लोग ध्यान रखिएगा। ये रही दोस्तों धनुराशि के 6 डिग्री की संक्रांति का फलादेश। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में जो है शेयर कीजिए। आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं जो है, और दोस्तों जो है आपको लाइफ की कोई भी समस्या है तो आप हमसे कुंडली का कंसल्टेंसी ले सकते हैं। आपकी कुंडली में शेयर बाजार का योग है कि नहीं है, उसके लिए भी आप हमसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं। आपको हमारे साथ जुड़ना है और आपको जो है ईयरली मेंबर बनना है कि कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें शेयर मार्केट में जो है, इसमें ईयरली में दोस्तों मैं जो है आपको पोजिशनल ट्रेड कराऊँगा, उसमें निफ्टी का रहेगा, बैंक निफ्टी का रहेगा, कालपुट भी रहेगा, लेकिन कालपुट मैं डेली उसमें नहीं कराता हूं दोस्तों। उसमें मैं आपको जो है साल में जो है कुछ समय ऐसे बताऊंगा कि आपको जो है सरप्राइज जो है रिटर्न आपको मिल जाएगा, जो कि आपको ना तो आप कभी आज तक कमाए होंगे, ना तो आपको म्यूचुअल फंड ही देगा, लेकिन इसमें रोज़ का ट्रेंड नहीं रहेगा, इसमें ईयरली रहेगा। कब आपको इन्वेस्टमेंट करना है उस ढंग से आपको बताया जाएगा, लेकिन रिटर्न आपको एक सरप्राइज रिटर्न मिलेगा, लेकिन यदि आप हमारे ढंग से काम करेंगे तब। तो उसके लिए भी आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर है 9870312696। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमारा ये डिस्क्लेमर है कि आपको जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि मेरा और मेरा चैनल आपके नफ़े और नुकसान से कोई भी लेना देना नहीं है। ये मेरा एजुकेशनल व्यू है, मैं इसमें कोई भी टेक्निकल टूल का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। ये मेरा फाइनेंशियल ज्योतिष है, जिसको अर्घ मार्तंड जो है वो कहते हैं। तो इसमें मैं कोई भी टूल का इस्तेमाल नहीं करके आपको प्रेडिक्शन देता हूँ। ज्योतिष से जो योग बनता है वही बात मैं आप सबके सामने जो है रखता हूँ। इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। जय श्री राम।